शराब पीकर सड़क पर घूमने वाले शोहदों पर आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई हुई है। बीती रात आजमगढ़ पुलिस ने सड़क पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई की है। रात लगभग 9 बजे आजमगढ़ पुलिस द्वारा शराब पीकर सड़क पर भीड़ लगाकर मस्खरी करने वाले शराबियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल के साथ शहर कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाते हुए आजमगढ़ के अलग अलग शराब खानों पर छापेमारी की, जहां पर शराब पीकर बाहर घूम रहे 38 लोगों को पकड़कर कोतवाली लाया गया, जिसके बाद सभी पकड़े गए लोगों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि कुल 38 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। यह अभियान माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर चलाया गया है, क्योंकि शराब पीकर अक्सर रोड पर गुजरने वाली महिलाओं के साथ ये लोग अभद्रता करते हैं। इस अभियान से महिलाओं की सुरक्षा होगी, महिलाओं को रोड पर अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आजमगढ़ पुलिस का यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। आज पुलिस के द्वारा, आजमगढ़ पुलिस के द्वारा खुले स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें 31 व्यक्ति अभी तक पकड़ के लाए गए हैं। ये इसलिए चलाया गया ताकि आम नागरिक जो शाम को शॉपिंग के लिए निकलता है, माताएं बहनें जो निकलती हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें शहर में। इन सभी को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस तरह का अभियान जो आगे भी चलाया जाएगा? ये अभियान लगातार जारी रहेगा हमारा।